अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग थिंक अबाउट लाइफ और ये है वीडियो का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने आपके साथ शेयर किया था ये वाला लच्छा पराठा मनु सलवा का, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्ट टू में होल व्हीट चपाती, मनु सलवा की होल व्हीट चपाती का रिव्यू कि ये किस तरह की है। तो क्या मैं आज आपको इस चपाती को टेस्ट करने के बाद रिकमेंड करूंगी कि ये आप बाय करें या नहीं करें, इसका टेस्ट अच्छा है, ये बेहतरीन बनती है या नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है होम स्टाइल चपाती मेड फ्रॉम होल व्हीट, क्या ये वाकई में सच है? तो ये सब चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं शेयर करूंगी इसकी प्राइस, इसका नेट वेट और इसके इंग्रीडियंट्स। भाई होने जा रहा है आज मनु सलवा की होल व्हीट चपाती का रिव्यू, बेहतरीन है नहीं है, कैसी है, टेस्ट कैसा है, सब कुछ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। फ्रोजन होने के बाद क्या हम इसको बना सकते हैं, और फ्रोजन होने के बाद जब हम इसको बनाते हैं तो ये वाकई में बेहतरीन रोटी बनती है या नहीं बनती, घर जैसी रोटी बनती है या नहीं बनती, सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करूंगी, प्राइस भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी इसकी वीडियो में। अच्छा जी, हमारे पास है आज मनु सलवा की होल व्हीट चपाती। इनके कहने के मुताबिक ये बनती है होल स्टाइल चपाती मेड फ्रॉम होल व्हीट। हाँ, जो मेरे पास पैकेट है उसका सबसे पहले हम बात करते हैं नेट वेट की। नेट वेट जो है इसका 810 ग्राम है। इसके अलावा 18 पीस का ये पैकेट है। 18 पीस का ये पैकेट कितने का है आगे मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ये हलाल है। इसके अलावा प्रोसेस एंड पैकिंग की बात करें तो ये क्विक फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की है, प्लॉट नंबर 185, सुंदर इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, रवाइन रोड, लाहौर, पाकिस्तान, और साथ में ईमेल एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है। प्रोडक्ट की बात करें तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है बिफोर एंड एक्सपायरी डेट। मेरे पास जो पैकेज है वो है 19 फरवरी 2024 में ये बना है, और ये एक्सपायर होगा 18 फरवरी 2026 में। तो ये बेहतरीन डेट है, आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं इस टाइम पीरियड के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि अगर आपको एलर्जी है तो यहाँ नोट लिखा गया है कि अगर आपको मिल्क सोए वगैरह से एलर्जी है तो ये अवॉइड करें, और एलर्जन इंक्लूडिंग सोए एंड सीरियल कंटेन ग्लूटेन सी इंग्रेडिएंट इन बोल। This product is made in the same facility where milk, soy and cereals are also processed. यहाँ पर इसके ingredients mention किए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं nutrition facts की, उसके बाद मैं आपको इसके ingredients भी बताऊंगी और cooking का method भी बताऊंगी। तो यहाँ पर ये इसके nutrition facts दिए गए हैं। Serving size one piece का 45 ग्राम है, serving per container जो है 18 पीस इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर दिया गया है न्यूट्रिशन फैट्स में न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन 100 ग्राम, और एनर्जी फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइट्री फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स ए, वाइट और कैल्शियम, इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ मेंशन किया गया है कि परसेंटेज जो है कितने परसेंट आप ले रहे होते हो डेली वैल्यू, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी कैलोरीज, डिपेंड करता है आप कितनी रोटियाँ खा रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी आप लोअर और हायर की तरफ जा रहे हो, कितना आप खा रहे हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पर होल व्हीट फ्लोर, ग्लूटेन, वाटर, मार्जरीन, पाम ऑयल, वाटर, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। इसमें सोया है, सिट्रिक एसिड है, पोटेशियम सॉर्बेट है, नेचर आइडेंटिकल बटर फ्लेवर है, वाइटामिन ए डी थ्री है, शुगर है, और व्हीट फाइबर, सॉल्ट, लिविंग एजेंट वगैरह और प्रिजर्वेटिव वगैरह इसमें शामिल हैं। इसकी फ्रंट पैकिंग कुछ इस तरह की है, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग डिज़ाइन की गई है, और ये साइड पैकिंग है। चलिए जी, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब करते हैं इस पैक को ओपन और अंदर से देखते हैं किस तरह की पैकिंग अंदर की गई है, और इसको बना के भी चेक करते हैं। तो अंदर से कुछ इस तरह की पैकिंग में है ये, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ।
बहुत अच्छी सी पैकिंग में दिया गया है, आप इजीली इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इस यहाँ पे देखें, इस तरह की है ये, देखिए वन पीस अलग हो जाता है इस तरह, ऊपर नीचे पैकिंग दी गई है और सेंटर में इसको रखा गया है। आपको क्या करना है कि इस पन्नी को आपने हटाना है और सेंटर में रोटी निकल आएगी। अच्छा जी, इसको बनाने का जो मेथड है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, पैकेट पर पीछे मेंशन किया गया है, और बना के मैं अभी आपको दिखाती हूँ और इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह की है। यहाँ पर है कि रिमूव द पैकेट जो है। अच्छा जी, पैकेट को ओपन करना है। जितनी चपातीस की आपको नीड है वो आपको इसमें से निकाल लेनी है। पील ऑफ करना है आपको प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक की लेयर्स हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड से, इसको पील ऑफ करना है। प्लेस चपाती ऑन प्री हीट फ्राई पैन, या पहले से प्री हीट किए गए फ्राई पैन या तवे पे आपको इस चपाती को डालना है, कुक करना है फॉर 1 से 2 मिनट्स, और उसके बाद इसकी साइडों को चेंज करना है। हल्के हल्के प्रेस करते जाना है, रोटेट करते जाना है, यहाँ तक कि ये हल्की हल्की गोल्डन सी ब्राउन हो जाए। और उसके बाद ये डिलीशियस मनोसलवा पराठा इज़ रेडी। इन्होंने पराठा लिख दिया, पर ये तो चपाती है जी। तो चलें अब इसको बनाते हैं। इसको इजीली घर पे बना सकते हैं, अगर आप उस टाइम पे सबसे मेन चीज़ यूज़ कर सकते हैं जब आपके घर मेहमान आ रहे हैं या आधी रात को आपको भूख लग रही है और आटा गूंदा हुआ नहीं है, गर्मी बहुत है, तो आप उस टाइम पे इस पैकेट को बाय करके अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं, इस फ्रोज़न चपाती को बना सकते हैं। आपको गर्मी में किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या होगा, इसको निकालना होगा, ओपन करना होगा पैकेट को, और इसको पील ऑफ करना होगा आगे पीछे पन्नियों को, अब प्री हीट करना होगा तवे को, उसके ऊपर डाल के रेडी करना होगा। उसके बाद खाना भी तो होगा। ओके जी, हम आ गए किचन में और प्री हीट करते हैं अपने तवे को। फ्लेम ऑन कर लिया मैंने, हल्का सा प्री हीट करूँगी। अब हम इसके ऊपर की लेयर हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे नीचे की भी। हटाने के बाद ये कुछ इस तरह की है। टिक टिक। हल्की सी सिक जाएगी तो मैं अब इसको टर्न कर रही हूँ। अब मुझे इसको प्रेस करना है तो सेंटर से और किनारे से, एजेस सब प्रेस करना है। हल्की हल्की सी यहाँ से फूलना शुरू हो गई है। ओके जी, ये हमारी चपाती हो गई रेडी। अब मैं इसको प्लेट में डाल लेती हूँ और अब मैं डालने वाली हूँ दूसरी चपाती। तो ये इस तरह की कुछ बन के रेडी हुई है चपाती हमारी। अभी हम दूसरी चपाती भी रेडी कर लेते हैं। बस इसमें यह है कि इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। वैसे अच्छी बन रही है, सब कुछ ठीक है, फूल भी रही है, साइज थोड़ा सा स्मॉल। दिखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चपातियाँ यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं, फ्रोज़न चपातियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रेडी कर ली हैं 3 रोटियाँ, जो कि बनने के बाद बहुत नरम नरम हैं, बनने के बाद भी बड़ी अच्छी हैं, होल व्हीट की हैं। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है, नरम है, बिल्कुल घर वाली रोटी का टेस्ट आ रहा है और होल व्हीट की बनी हुई है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ज़रूर बाय करें। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो जनाब, इसकी जो प्राइस है वो है 420 रुपीज़। तो ये होल व्हीट चपाती फ्रोज़न आइटम जो है 420 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, 18 पीस का पैकेट। तो आप इसको ज़रूर बाय करिएगा और
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।